Lamborghini, pile rang di mainu. सब लवली पीपल, दिस इज भुरकुंडा राइडर। आज मैं अपने इस 125 पल्सर का माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि अभी ये पहला सर्विसिंग हुआ है और ये अप्रोक्स 700 किलोमीटर चला है, तो देखते हैं कि कितना माइलेज दे रहा है। और ये कंपनी तो इसे क्लेम करती है कि 75 माइक का माइलेज देगी, बट अभी पता नहीं, एक सर्विसिंग हुआ है तो देख लेते हैं हम टेस्ट करके कि कितना माइलेज दिया हुआ। और इसका कुछ सिनेमैटिक शॉट भी लिए हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। शायद अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आप इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टा का लिंक भी मैं दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा का लिंक है, तो आप लोग वहां जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे। आइए अभी आपको दिखाते हैं ये कितना किलोमीटर चला है। ये अभी 758 किलोमीटर चला है, और इसका तेल जो है वो ऑफ कर देते हैं और फिर इसे चला के देखते हैं। इसका तेल ऑफ कर दिए हैं और इसे चला के देखते हैं, और उसके बाद फिर 100 ml तेल लेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि कितना किलोमीटर चलता है। जहाँ पे तेल खत्म होगा वहां से मीटर नोट करेंगे और उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। फाइनली तेल पूरा खत्म हो गया है, ये ऑफ किए हुए थे तो अब देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अब इसमें 100 ml तेल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना किलोमीटर चलता है। और ये चला भी नहीं है, ये मात्र तेल ऑफ करने के बाद 400 या 500 मीटर चला होगा, वो नहीं पता, बट यहाँ आप देख सकते हैं मीटर कि 758 किलोमीटर चला है। और ट्रिप को कर देते हैं जीरो, हो गया। अब ट्रिप भी कर लिए हैं जीरो, अब इसमें 100 ml तेल डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे। तेल हम लोग ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं ये 100 ml है, ये हिल रहा है तो शायद थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा, बट इसमें 100 ml तेल ले लिए हैं और ट्रिप भी जीरो कर दिए हैं। अब इस चला के देखते हैं कि कितना चलता है, और अप्रोक्स स्पीड इसका रखेंगे 50-60, उससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, और देखते हैं कि कितनी माइलेज निकलती है। बजाज जो कंपनी जो बोलती है वो तेल जो माइलेज बोलती है शायद वो देता है या नहीं देता है, वो अभी पता चल जाएगा।
तेल पूरा खत्म हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है और इसमें भी पूरा तेल खत्म हो गया है। और ये जो इस किलोमीटर चला है वो बहुत ही कम चला है, 3.5 किलोमीटर चला है जो कि बहुत ही कम है। पता नहीं क्यों या फिर कुछ तो गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं। ये जो माइलेज जो दिया है वो हम लोग अभी अप्रोक्स 50-60 की स्पीड में चलाए थे, तो उसके बाद फिर दोबारा एक बार चेक करेंगे और फिर शोरूम ले जाते हैं कि देखते हैं कि कितना माइलेज दिया और आगे शायद इंक्रीज होगा। अभी एक ही सर्विस हुआ था जिसके कारण शायद माइलेज कम दे रहा हो, बट कोई बात नहीं। शोरूम अगर ले जाते हैं तो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों माइलेज इतना कम दे रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बूम।